So friends, we start with today's session. Friends, आज की इस डेमो क्लास का पर्पस क्या है कि एक ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में बताना, ऑरिकुलर थेरेपी क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको और कुछ बताऊं, मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसको ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं और कुछ कंट्रीज में लोग इसको ऑरिकुलो थेरेपी बोलते हैं। दोनों वर्ड ठीक हैं, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। और आज की ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि ऑरिकुलर थेरेपी क्या है। कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे, उनको ये मालूम नहीं होगा ऑरिकुलर थेरेपी क्या होता है। ऑरिकुलर थेरेपी में क्या यूज़ करते हैं, सीड यूज़ करते हैं, प्रेशर देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, क्या करते हैं, वो आप डिस्कस करेंगे। और सीड्स लगाने कैसे लगाने, नीडल्स लगानी कैसे लगानी है, एक डर्मा नीडल्स आती हैं वो लगानी कैसे लगानी है, मैग्नेट्स अगर लगाते हैं वो कैसे लगाने हैं, ये सब हम बताएंगे ट्रेनिंग में। और इससे ऑरिकुलर थेरेपी से कौन कौन सी डिजीज़ क्योर हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसके सिवा आप मेरा टीचिंग मेथड तो देख ही लेंगे, और बिसाइड दैट मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आप कोई भी डिजीज़ है आप एक बटन दबाएंगे, डिजीज़ का प्रोटोकॉल आ जाएगा, आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड लिटिल अबाउट बुक, एक बुक रेडी है और उस बुक के बारे में बताऊँगा ऑरिकुलर थेरेपी की, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगर ये बुक पढ़ेंगे आप और कॉन्फिडेंट होंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर छाबड़ा, मैंने 73 में BSc किया, फिर 76 मैंने MSc किया, फिर PhD किया, असिस्टेंट साइंटिस्ट लगा, साइंटिस्ट बना, सीनियर साइंटिस्ट बना और 2012 में मैं एज ए साइंटिस्ट रिटायर हो गया। 2012 के बाद मैं दूसरे प्रोफेशनल स्कूल में लग गया और 2017 मैंने एक अल्टरनेटिव मेडिसिन में MD किया। और उसके बाद मैं 2017 के बाद आप वाल लाइने के यानी अल्टरनेट थेरेपी में आपकी तरह आ गया। फ्रेंड्स, मेरी 3 वेबसाइट्स हैं और एक बुक रेडी है, एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में बता रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे में चलूँ, मैं बताना चाहूँगा ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है डॉक्टर छाबड़ाज लेज़र हेयर हेल्थ। मैं लेज़र से डील करता हूँ, हेयर से डील करता हूँ, हेल्थ तीनों एस्पेक्ट कवर करूँगा आज, क्योंकि बेसिकली ऑरिकुलर है, हेल्थ पर डिस्कस होगा, मगर ये बताना चाहूँगा मैं लेज़र से भी डील करता हूँ, हेयर से भी डील करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, एक मैं लेज़र हेयर रिमूवल से डील करता हूँ। कई बार लेडीज़ के फेस पर बाल आ जाते हैं, जेंट्स भी बाल हटवाते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल में डील करता हूँ। हेयर लॉस ट्रीटमेंट, कईयों के बाल हेयर लॉस हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, लेडीज जेंट्स उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। हेयर विग भी लगाते हैं हम, और इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का हमारा मेन प्रोफेशन है। इसके साथ PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है ये भी मैं डील करता हूँ। हिजामा ये भी हेयर रिग्रोथ में काम आता है, ये भी करता हूँ। और स्किन ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स है, फिलर्स है, ये भी हम सब यूज़ करते हैं। फेस लिफ्टिंग, फोटो फेशियल ये भी करते हैं, स्लिमिंग यूजिंग RF कैविटेशन, प्रेशर थेरेपी, लिपो लेजर ये भी करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अल्टरनेटिव थेरेपी के सिवा मेरे और भी कई चीज़ें हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी मेरा पैशन है और अब आज आपके साथ हूँ। अल्टरनेटिव थेरेपी में केवल 2017 में आया और उसके बाद आज तक आपके साथ हूँ और आगे में। ये फ्रेंड्स, मैंने एक ऑरिकुलर थेरेपी ट्रेनिंग दी थी। आप मैं UP सिंह जी हैं, आप देख पूरा हॉल फुल है, बैठने की जगह नहीं है, कुछ लोग खड़े हैं। ऐसे एक सुजो की ट्रेनिंग दी थी, आप देख पूरा हॉल फुल है। पहले रेगुलर ट्रेनिंग देते थे, अब कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन पर मजबूर होना पड़ा और शायद इसमें कुछ भला भी होगा। अब मैं कुछ ऑरिकुलर की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्यों ऑरिकुलर थेरेपी आपको सीखनी चाहिए। एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्टरनेट थेरेपी वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा तेज अगर तरक्की करी किस थेरेपी ने, इसने करी है। मैं भी इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस थेरेपी ने कुछ साल में इतनी एडवांसमेंट एकदम कैसे करी, क्यों करी, इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। कई बार तो इतने इंस्टेंट रिजल्ट हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा इतनी जल्दी को आपकी किसी की दर्द ठीक कैसे हो जाएगी। और डिजीज कोई बीमारी होती है, कई थेरेपीज ऐसी हैं आप ठीक करेंगे फिर दोबारा रिलैप्स हो जाएगा, इसमें रिलैप्स कम होता है यानी डिजीज दोबारा कम आती है। और खर्चा, रेकरिंग खर्चा नहीं है, बताऊंगा आपको बहुत कम खर्चा है। और टाइम बहुत कम लगता है, आप ट्रीटमेंट देने 10-15 मिनट लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैनी लैंडमार्क्स टू यूज,
कान के अंदर कई सलवटें हैं हमारी, जो सलवटें हमारे लैंडमार्क का काम करती है। जब लैंडमार्क होते हैं आपको समझना और समझाना बहुत ईजी हो जाता है, और कोई फिजिकल फोर्स जोर नहीं लगाना पड़ता। कई थेरेपी में आपको मसाज देनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। और थेरेपी आपको हफ्ते में एक बार देनी है। इसके कंपैरिजन में मान लो कुछ थेरेपीज हैं जब आपको डेली सिटिंग देनी पड़ती है, पेशेंट को भी डेली आना पड़ता है, आपको भी डेली काम करना पड़ता है, इसमें केवल हफ्ते में एक बार होती है, आपका टाइम बचता है और उसको आने जाने से परेशानी बचती है। और हैंड्स फ्री टू वर्क, एक बहुत बड़ी एडवांटेज इसकी। आप मान लीजिए सुजो कर रहे हैं, आपने किसी के ऊपर शीट्स लगाए, नीड्स लगाए, और घर में काम करना, आप मैग्नेट लगा दिए, सीट्स लगा दिए, उसको काम करना पड़ा, टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट जाना पड़ गया, घर में कोई लेडीज काम करना पड़ गया, वो आपके टेप उतर जाएगी। मगर क्योंकि इसमें हाथ आपके फ्री हैं, आप कान पर लगाना है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक साइंटिफिक लॉजिक थेरेपी है। कुछ फ्रेंड्स, दो तरह की थेरेपीज होती हैं, एक होती है फिजिकल थेरेपीज जिस पर आप काम करते हैं, बॉडी पर काम करते हैं, रिजल्ट आते हैं। एक होते हैं साइकोसोमेटिक, आपने उस पर विश्वास है, उसने आपको ब्लेस किया, आप ठीक हो गए, इनको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। ये साइकोसोमेटिक नहीं है, ये फिजिकल थेरेपी है, लॉजिकल थेरेपी है, साइंटिफिक थेरेपी है, एक्सप्लेनेबल थेरेपी है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके ऊपर कई बुक्स हैं और इसके बहुत ऑथर्स हैं। फ्रेंड्स, जितनी कोई जिस थेरेपी की जितनी बुक्स होंगी, जितने अलग अलग आदमी एक्सप्लेन करेंगे, उतनी इसके अंदर कंट्रोवर्सी होगी, उतने रिजल्ट ऊपर की थेरेपी बेटर आएगी। यही कारण है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें कई आदमी इन्वॉल्व हैं, एक आदमी वन मैन शो नहीं है। फ्रेंड्स, इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको, थोड़ी हिस्ट्री क्या है। 1951, देखो 1951 से पहले किसी को ओरिकुलर थेरेपी का वर्ड भी नहीं पता था। 1951 में एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है, पॉल नोजियर, उसने ये देखा कि किसी पेशेंट को कॉटराइजन कान कर कॉटराइज किया, कट किया, कोई सर्जरी की, छोटी सी मिनी सर्जरी की, और देखा उसको शेटी का पेन ठीक होगी। उसको लगा ये कैसे होगा, कान पर हमने कॉटरी किया है और उसको ठीक होगी। उसने ऊपर बहुत सोचा और 5-6 साल इसके ऊपर मैं उसको एग्जामिन करता रहा, स्टडी करता रहा। 57 में उसके 6 साल बाद उसने एक कंसेप्ट दिया कि कान के ऊपर भी पॉइंट, जिस तरह बॉडी के ऊपर से पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कान के ऊपर भी रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जिनको ट्रीट करने से कोई प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और उसने 100 पॉइंट्स प्रपोज करे, 100 पॉइंट्स प्रपोज करे, वो 100 पॉइंट्स जो प्रपोज किए, चाइना ने उसको ओरिकुलर थेरेपी का फादर ऑफ ओरिकुलर थेरेपी, उसको तगमा दिया कि ही दी फादर ऑफ ओरिकुलर थेरेपी। उसने इतनी अच्छी थेरेपी दी है कि पूरे वर्ल्ड में एकदम फैलने लगी। उसके बाद वो थेरेपी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में गई। फ्रेंड्स, बहुत कम थेरेपी ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में गई। लोग थेरेपी बनाते हैं, वही थेरेपी चलती रहती है, वन मैन शो होती है, ये वन मैन शो नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में गई, 100 पॉइंट्स उसने प्रेजेंट किए, 43 पॉइंट्स एक्सेप्ट हुए, बाकी नहीं एक्सेप्ट हुए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, जब कोई थेरेपी इतने थेरेपिस्ट के पास जाती है, WHO के इतने बड़े सीनियर पर्सन के पास जाती है, उनने कुछ पॉइंट्स रिजेक्ट किए, इसका मतलब बात में दम है। उन्होंने थेरेपी नहीं रिजेक्ट की, उन्होंने 43 पॉइंट्स एक्सेप्ट किए, और WHO ने एनकरेज के मेडिकल डॉक्टर्स को, तुम भी इसको सीखो और अपनी थेरेपी के साथ इसको मर्ज करके बेटर रिजल्ट आओ। और ये था बिगिनिंग, आप यूं समझिए 1990 का मतलब आज कितने साल हो गए, 30 साल हुए। सिर्फ 30 साल पहले इसका नामो निशान भी नहीं था, आज थेरेपी इतनी है। अकुप्रेशर हजारों सालों से चल रही है और आज ओरिकुलर थेरेपी अभी चालू हुई है 30 साल पहले, और आज आप समझते हैं दोनों ग्रोथ कंपेयर करें तो ओरिकुलर थेरेपी ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है। ये इन्वर्टेड बेबी का मतलब ये हुआ, उसने ये कंसेप्ट दिया जिस तरह उल्टा पेट के अंदर, मदर की पेट के अंदर, वॉम्ब के अंदर उल्टा बेबी होता है, कान में भी उल्टा बेबी है, ये मान के ये ज्यूम करके उसने पॉइंट्स बताए। इसका मतलब यहाँ हेड है तो हेड के पॉइंट, हेड में कोई प्रॉब्लम यहाँ पॉइंट देंगे, लेंग्स में प्रॉब्लम यहाँ पॉइंट देंगे, आर्म्स में प्रॉब्लम यहाँ पॉइंट देंगे। उसने ये इन्वर्टेड बेबी कंसेप्ट दिया, उसके बेस पर आज भी थेरेपी चलती है। ये भी इन्वर्टेड बेबी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, या हाथ के प्रॉब्लम यहाँ देंगे, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ होंगे, पैर के होंगे यहाँ देंगे। और फ्रेंड्स, ये ओरिकुलर थेरेपी सिर्फ हमारे जैसे थेरेपिस्ट नहीं करते, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट नहीं करते, अकोपंक्चरिस्ट भी इसको करते हैं, क्यूरोप्रैक्टिक डॉक्टर भी इसको बाहर कंट्रीज में करते हैं, डेंटिस्ट भी करते हैं पेन कम करने के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर करते हैं, नर्सिस के लिए कंपलसरी डिप्लोमा है, उनको करना ही पड़ता है,
फिजियोथेरेपिस्ट जब बहुत कई बार फिजिकल पेन के उनको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, पेन होता है, तो उससे पहले ऑरिगोथेरेपी करते हैं, उनको पेन कम होता है, फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट करते हैं। फ्रेंड्स इतने थेरेपिस्ट, इतने डॉक्टर्स आपकी थेरेपी को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं जैसे पहले बताया सीड्स लगाते हैं, नीड लगाते हैं, क्वेश्चन पहले आएगा हम लेफ्ट ईयर में लगाएं या राइट ईयर में लगाएं, एक बड़ा कॉमन चीज़ है, लोग बाद में पूछेंगे। अगर आप किसी पेशेंट को प्रॉब्लम लेफ्ट साइड, मान ली लेफ्ट पेन में, लेफ्ट हाथ में दर्द है या लेफ्ट पैर में दर्द है, तो आप लेफ्ट ईयर पर करेंगे। अगर राइट साइड में कोई हाथ में पैर में बॉडी में प्रॉब्लम है तो राइट साइड में करेंगे। मगर सेंट्रल है, मान लो उसको माइग्रेन की हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको कहाँ कहेंगे, वो तो मिडल में दोनों कानों पर करेंगे। तो आप ये देखना लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम लेफ्ट साइड, राइट साइड की प्रॉब्लम राइट साइड, और जो मिडल सेंट्रल लोकेटेड है उनको दोनों तरफ करते हैं, या अगर दोनों तरफ पेन है, लेफ्ट भी पेन है राइट भी पेन है, तो भी दोनों तरफ करते हैं। फ्रेंड्स एक पेशेंट की हिस्ट्री होता क्या है, हम जो मैंने देखा अक्सर थेरेपिस्ट में पेशेंट आता है आपको बीमारी बोलता है, आप फटाफट टक 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 करके ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, ये बहुत गलत सिस्टम है। देखो हमारे में हम जो थेरेपिस्ट हैं उनमें और मेडिकल डॉक्टर में क्या फ़र्क है, उनके पास कोई टाइम नहीं है पूछने का, वो जो आप जाएंगे फटाफट ट्रीटमेंट लिख देंगे। हमारे हमने उसको बेसिक कॉज जानना है, उसको डेप्थ में जाना है, इस जो इसको प्रॉब्लम हुई उसको प्रॉब्लम क्यों हुई उसकी गहराई जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी दाम लिखें, एज लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखें, उसकी डिजीज लिखें। अगर आपको नाम डिजीज लिखते हैं तो मोबाइल पर उसका नाम सेव करते हैं, ब्रीफ के अंदर उसका नाम, उसका हल्की डिजीज भी सेव कर लें, तो जैसे नेक्स्ट टाइम उसका फोन आएगा आपको पता लग जाए उसको ये प्रॉब्लम है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। हर जो जैसे जैसे हम थेरेपी सीखते हैं शुरू में मुश्किल होता है, आप एकदम नहीं सोच पाते, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं सोच पाते, तो अगर आपने नंबर के साथ उसको थोड़ी डिजीज इंडिकेट कर रखा है तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा ये पेशेंट मेरे पास आने वाला, उस ये डिजीज है और मैंने उसको क्या ट्रीटमेंट देना, आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा, सिम्टम्स लिखेंगे। और फ्रेंड्स इसके सिवा वो तो ये सिम्टम जो उसने बताए आपने लिख लिए, एक आप लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, आप रजिस्टर बनाएं या कंप्यूटर पर नोट करें, आप उसको नोट करें डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, एक एक सिस्टम लेकर, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको खाना ठीक डाइजेस्ट होता है, आप कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको लूज मोशन तो नहीं है, ऐसा नहीं आप खाना खाते आपको पोटी जाना पड़ जाता हो, आप एसिडिटी तो नहीं है, आपको गैस तो नहीं है, ये सारी बातें डाइजेस्टिव सिस्टम पूछेंगे। यूरिनरी सिस्टम, आपको यूरिन ठीक आता है, कम तो नहीं आता, ज़्यादा तो नहीं आता, रात को बार बार तो नहीं जाना पड़ता, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेडीज है खास करके बड़ी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स हैं, कम तो नहीं आते, ज़्यादा तो नहीं आते, क्लॉट्स तो नहीं आते, मेनोपॉज की प्रॉब्लम तो नहीं है क्या। फिर आप साथ साथ ये भी सोचें कि अगर कोई प्रॉब्लम उसको है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कोई ये प्रॉब्लम आपकी उस प्रॉब्लम साथ तो लिंक नहीं है, उसका लिंक ढूंढने की कोशिश करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको सांस तो नहीं चढ़ जाता, लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप देखेंगे। इसके सिवा सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई पेशेंट आता है उसको सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये सांस तो नहीं फूल जाता, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। फ्रेंड ऐसे एक एक करके सारी थेरेपीज के आप क्वेश्चन पूछें, पहली बार आपको आधा घंटा कम से कम एक पेशेंट पर लगाना चाहिए उसको डिटेल पूछने के बाद, पूछने के लिए, और उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने और उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से सुने। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कहता है मेरे को तो सिर में दर्द रहता है और हाथ लगा रहा पीछे, आप एकदम पूछें कंफर्म करेंगे आपको गर्दन की तरफ पीछे दर्द होता है या और कहीं होता है, या पेशेंट माथे पे हाथ रखता है तो आप देखेंगे माथे पे उसको फ्रंट में सिर दर्द होता है, या यूं बोलता है साइड पे है तो टेम्पोरल में पेन है, तो आपने उसकी ऑब्जर्वेशन को बड़ी क्लियरली नोट करना है और उसके बाद एक प्रोटोकॉल बनाना है। और फ्रेंड्स आपने मान लो पेशेंट आया उसको तीन प्रॉब्लम थी, दो ठीक होगी एक रहेगी, आप जो ठीक होगी उसको छोड़ते चले जाओ और जो बाकी रहेगी उसको आप आगे लेते जाओ। और फ्रेंड्स दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं, किसी पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम होती है, किसी क्रोनिक होती है। एक्यूट का अभी कोई प्रॉब्लम है, कल चोट लगी, ये एक्यूट है। एक होती है क्रोनिक, उसको छः महीने से, साल से, दो साल से थायराइड की प्रॉब्लम है, वो क्रोनिक। आप पहले एक्यूट पर छोटी प्रॉब्लम को करेंगे तो जल्दी ठीक हो पेशेंट, आपको विश्वास बैठेगा, उसका आपके ऊपर विश्वास बैठेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले लें, बड़ी प्रॉब्लम जल्दी मत लें, खासकर जब आप थेरेपी सीख रहे हैं बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम को शुरू मत लें। फ्रेंड्स कुछ चीजें बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे कि
एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाकियों से मैं डिफरेंट कैसा हूँ आपको मैं पूरा इसका कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा आपको, आपको ईयर के मॉडल के ऊपर भी दिखाऊंगा, चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, अलग अलग फॉर्म दिखाऊंगा। हो सकता है आपको चीज चार्ट पर जल्दी सीख जाएं, हो सकता है कोई चीज मॉडल पर सीख जाएं, तो मैं अलग अलग दिखाऊंगा। अगर आपको एक चीज समझ नहीं आती, मान लीजिए मैं आपको चार्ट के ऊपर समझा रहा हूँ या स्क्रीन के ऊपर समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आती कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडल पर समझ आ जाएगी तो आपको समझ आएगी। और एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल प्रोटोकॉल बनाने की, किसी पेशेंट का प्रोटोकॉल बनाना है, ट्रिक एक सिंपल ट्रिक होगी। और मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे। और आपको डेली जब आप सीख जाएंगे डेली आपको एक प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको डेली एक प्रोटोकॉल मिलता है। और एक स्पेशल वीडियो फ्राइडे, हर फ्राइडे को 5:30 पर आपको एक वीडियो मिलेगी, वो स्पेशल नई वीडियो होगी। और डेली एक प्रोटोकॉल, जो भी आप पूछेंगे आपको प्रोटोकॉल डेफिनेटली दिया जाएगा। और एक मेरा चैनल है, ये प्रोटोकॉल लेने के लिए आप एक डॉक्टर छाबड़ा के नाम से आप उसको नाम सेव कर लें, डॉक्टर छाबड़ा यूट्यूब चैनल है, ये सेव कर लें। कुछ वीडियोस केवल इसी ऊपर आएंगी, सबको नहीं मिलेंगी, तो डॉक्टर छाबड़ा के नाम से आप नोट कर लें। और डॉक्टर छाबड़ा हो सकता और भी कहीं हो, फोटो से पहचान लेना, डॉक्टर छाबड़ा के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको वीडियोज मिल पाएंगी, अदरवाइज सारी वीडियोज आपको नहीं मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट चीज को जो दोस्तों आप पिक्चर पिक ले लेना। और फ्रेंड्स एक ना कई लोग ना ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, पेशेंट को 10 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है, 20 साल थायराइड प्रॉब्लम है, एक दिन थायराइड का ट्रीटमेंट देंगे और अगली बार पूछेंगे ठीक हो गया। अरे भैया थायराइड इसको 10 साल से पेशेंट को प्रॉब्लम है, 20 साल से प्रॉब्लम है, एक सिटिंग में नहीं होगा। ना आप ओवर एक्सपेक्ट करें ना उसको ओवर एक्सपेक्टेशन दें। पेशेंट को बुलाएं, जो लंबी बीमारी है क्रोनिक है उसको टाइम लगेगा, अपनी तरफ से मेहनत करें, समय लगता लगाएं और विश्वास अपने काम के ऊपर ट्रीटमेंट को विश्वास रखें। और फ्रेंड्स ट्रीटमेंट देने के लिए स्टिमुलेट करना पड़ता है, जब भी मान लो कान पर कोई पॉइंट देना है उसको पहले हल्की सी मसाज देते हैं, जिम्मी से मसाज देते हैं, ऐसे जिम्मी मैं दिखाऊंगा आपको, जिम्मी से मसाज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, वो बहुत ओवर स्टिमुलेट नहीं करना। और फ्रेंड्स आप ट्रीटमेंट देना कैसे, एक तो मसाज, एक क्या होता है जब एक्चुअल होता है जिम्मी से करके ऐसे स्टिमुलेट करके सीड लगाते हैं, मैं बाद बताऊंगा। एक क्या होता है आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव है बहुत दूर है और आप वहां जा भी नहीं सकते, वो आपको आ भी नहीं सकता, आप क्या करेंगे उसको सिंपल मसाज से ट्रीट कर लेते हैं, आप उसको एरिया बता देंगे यहां पर मसाज करें, मसाज लगाए। दूसरा सीड्स, मोस्ट कॉमन सीड्स आप सीड लगा सकते हैं, सीड लगाना मैं आपको अब सिखाऊंगा फ्रेंड्स। सीड ये इस तरह पैकेट आएंगे फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है, हैं आपको ऐसे पैकेट दिखेंगे, ये पैकेट इसके अंदर 10 ऐसे स्ट्रिप्स हैं और टोटल ये 130 के अराउंड आता है और एक सीड आपको लगभग 20 पैसे पड़ता है। आप सीड्स ऐसे ले लेंगे, ऐसे सीड्स हैं ले लेंगे और एक सीड जिम्मी से उतारेंगे ऐसे और इसको जिम्मी साथ लगा के जहां भी लगाना है आप यहां लगा लेंगे, आप यहां लगाना है या मान लो आपका ईयर का मॉडल आप यहां लगाना है यहां लगा लेंगे, ठीक है। इसको बोलते सीड्स, इनको बोलते ऑरिकुलर सीड्स। और नीडल्स, नीडल्स भी लगाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको नीडल दिखाता हूं आपको, ये ऑरिकुलर नीडल्स हैं, ऐसी आती हैं, इसमें से नीडल निकाल लेते हैं, दिख रहा हूं मेरी फोटो की, ये ऐसे नीडल्स आती हैं, आप एक नीडल निकाल लेंगे, ऐसे नीडल आप नीडल लेंगे और जहां कान पर आपको समझाएंगे आप सीख जाएंगे लगानी है, फर्क यहां लगानी है, आपको एक लगा के दिखा रहा हूं मैं, डिटेल बाद बताऊंगा ट्रेनिंग में, इसमें इतना कर आप ऐसे इसको लगा लेंगे, ठीक है। ये नीडल लगी, एक प्रेस नीडल आता है इसी तरह, नीडल के साथ एक नीडल थी, एक आती है प्रेस नीडल, वो भी सीड की तरह से लगाते हैं, एक नीडल प्लस सीड दोनों लगा सकते हैं आप। नीडल लगाई, पेशेंट को नीडल लगानी 40 मिनट के लिए और सीड्स लगा के छोड़ देना लगभग 5-7 दिन के लिए, सीड्स 6-7 दिन के लिए, नीडल्स केवल 40 मिनट लगानी है और 40 मिनट बाद आप नीडल उतार देनी है। आप नीडल लगा के उसके बाद सीड भी लगा सकते हैं बेटर रिजल्ट रहने के लिए। फ्रेंड्स कुछ लोग यहाँ मैग्नेट्स लगाते हैं, मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं मगर बहुत कॉमन नहीं है, कुछ मोक्सा से भी इसको ट्रीट करते हैं मगर बहुत कुछ कॉमन ये चीज़ भी नहीं है, मेनली सीड और मैग्नेट, सीड और नीडल यूज होते हैं। फ्रेंड्स आपको सीड्स कैसे लगाने हैं, पहले उसको पेशेंट को हाथ से फेस वॉश करने के लिए कहेंगे,
फिर उसको सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर आपको सैनिटाइजर सैनिटाइज कर लेंगे नैपकिन के साथ, और टेंडर पॉइंट सर्च करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा जब डिटेल करेंगे। टेंडर पॉइंट मान लो कोई भी उसको यूं सर्च करेंगे जहाँ पेन होगा उसको टेंडर पॉइंट बोलते हैं, टेंडर पॉइंट सर्च करेंगे और फिर उसको सीज लगा देंगे और इसको एक इलेक्ट्रो अकुपंक्चर मशीन आती है, ऐसी मशीन आती है फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे मशीन है, इसको एक हाथ पकड़ाएंगे और इसको ये अल्ट्रासाउंड जेल आती है, अल्ट्रासाउंड जेल थोड़ी लगा लेंगे इसके साथ, और जहां भी देना है मान लो को यहां पर ट्रीटमेंट देना है यहां देंगे एकदम आपको यूं लगेगा चुभेगा। तो इससे भी स्टिमुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये है, अगर ये नहीं है तो लेजर आते हैं मार्केट में आते हैं सस्ते आते हैं, ये तो बहुत महंगी पर पुरानी है, आजकल लेजर्स आते हैं आप वो दे सकते हैं। जस्ट आज का मतलब आज की ट्रेनिंग का मकसद है आपको ओवरऑल रिव्यू देना, मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा, और एट वन टाइम दो सीट भी लगा सकते हैं, कई बार पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक हैं, एक के ऊपर एक आपने उतारा इसके ऊपर एक सीट तो इसके साथ है ही है, एक सीट आप साथ में दूसरा और लगा लेते हैं, एक सीट यहाँ और लगा लेते हैं, दो सीटों इकट्ठे दो सीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये था जनरल बातें, अब बात आ गई ऑरिकुलर के बारे में, थोड़ा सा बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत लंबी ऑरिकुलर थेरेपी है, कम से कम इसको 10 घंटे कम से कम चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए। आज मैं इसको सिर्फ एक बहुत ब्रीफ बताऊंगा ऑरिकुलर थेरेपी में थोड़े पार्ट्स, ताकि अगर आप थेरेपी नहीं भी सीख पाते, थोड़ी नॉलेज है, अगर आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है आप लगाना पॉइंट लगाना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स ये ईयर का स्ट्रक्चर है, ईयर का स्ट्रक्चर सबसे नीचे वाला पार्ट का नाम है ईयर लोब, मैं आज इस बताऊंगा ईयर के पार्ट्स, ईयर के मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, ये बोलते हैं ईयर लोब, जो नीचे वाला पिंक कलर है ईयर लोब, जो मास्टर जी खिंचाई करते हैं पिटाई करते हैं कान खींचते हैं वो होते हैं ईयर लोब। ये लोग का ग्रीन पोर्शन, ये बाहर का बिल्कुल बाहर का पोर्शन आप कान का ये पोर्शन है, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है ये हेलिक्स है, इसको क्या बोलते हैं हेलिक्स। अब तक मैंने क्या बोला, इसको बोला ईयर लोब, इसको बोला ग्रीन, को बोला ग्रीन को, इसको बोला हेलिक्स, ये सारा मेरा इस कर्सर के ऊपर नजर रखना, ये ग्रीन हेलिक्स है ये ईयर लोब, दो पार्ट्स हो गए फ्रेंड्स। हेलिक्स के साथ है, अंदर बोनी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स, ये हेलिक्स था ये एंटी हेलिक्स है, अगर आपको दिख रहा होगा ये एंटी हेलिक्स है, हेलिक्स के अंदर क्या है एंटी हेलिक्स, हेलिक्स थोड़ा फ्रेंड्स ऑरिकुलर थेरेपी बाकी थेरेपी से थोड़ी सी मुश्किल है, मगर मैं आपको लर्न करवा के छोड़ूंगा चिंता नहीं करना। ये ईयर लोब था ये हेलिक्स था, हेलिक्स के अंदर एक और ये ब्लू कलर का है ये एंटी हेलिक्स है, एंटी ऊपर जाकर दो पार्ट से डिवाइड हो गए, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, ऊपर वाला चौड़ा है नीचे वाला पतला है, ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर क्रस्ट, सुपीरियर क्रस्ट का जो चीज सुपीरियर होती है बेटर होती है बिगर होती है उसको सुपीरियर बोलते हैं, ये इन्फीरियर का छोटी हल्की घटिया इन्फीरियर, नीचे वाले इन्फीरियर है ऊपर वाले सुपीरियर उसको बोलते हैं सुपीरियर क्रस्ट, नीचे वाले बोलते हैं इन्फीरियर क्रस्ट। ये एंटी हेलिक्स नीचे जब गई एक यहां एक हड्डी सी बड़ी हुई कान के पास, ध्यान से देखेंगे ये एंटी हेलिक्स था नीचे हड्डी बड़ी हुई है, इसको बोलते हैं एंटी ट्रैगस, ऊपर ये था सुपीरियर क्रस्ट ये इन्फीरियर क्रस्ट, ये सुपीरियर क्रस्ट इन्फीरियर क्रस्ट और नीचे क्या हो गया एंटी ट्रैगस। एंटी ट्रैगस के सामने एक और हड्डी स्ट्रक्चर बड़ी हुई जो कान के छेद के ऊपर है, इसको बोलते हैं ट्रैगस, एंटी ट्रैगस के सामने क्या है ट्रैगस फ्रेंड्स, ये था ट्रैगस, ये एंटी ट्रैगस था, एंटी के नीचे एंटी ट्रैगस था, एंटी ट्रैगस के सामने है ट्रैगस, एक बोनी स्ट्रक्चर जो कान के छेद के ऊपर, आप कान के छेद है उसके ऊपर हाथ लगाएंगे, हाथ लगा के देखिए अपना, ये ट्रैगस है, एंटी ट्रैगस के सामने क्या है ट्रैगस। मैं इतने पार्ट को फिर रिपीट करता हूं, सबसे नीचे वाला पिंक था ईयर लोब जिसके ऊपर मेरा कर्सर घूम रहा है, ईयर लोब जो सॉफ्ट पार्ट है नाजुक पार्ट है जिसके अंदर कान में बालियां पहनते हैं उसको बोलते हैं ईयर लोब। और फ्रेंड्स ये था हेलिक्स, हरे वाला क्या नाम इसका नाम क्या है हेलिक्स, और हेलिक्स के अंदर एक बोनी स्ट्रक्चर है कार्टिलेजन स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स, एंटी हेलिक्स ऊपर जाकर दो पार्ट से डिवाइड हो गए, ऊपर वाले का नाम है सुपीरियर क्रस्ट नीचे वाले का नाम है इन्फीरियर क्रस्ट। फ्रेंड्स आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, मगर ये चीज़ें इतनी बार बार रिपीट होंगी कि आपको समय के साथ लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं होगा, जब कोर्स करेंगे डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। और ऊपर दो पार्ट डिवाइड हो गए सुपीरियर क्रस्ट इन्फीरियर क्रस्ट और नीचे वाले बोलते हैं एंटी ट्रैगस,
नीचे वाले बोलते हैं एंटीटैगस। एंटीटैगस के सामने एक ऐसी स्ट्रक्चर और है, उभार है, बाहर उभरा हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रैगस। ये एंटीटैगस, एंटीटैगस सामने क्या है ट्रैगस। एंटीटैगस और टैगस के बीच में गड्ढा है, ये गड्ढा देखो मेरा कर्सर देखे ध्यान से, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं इंटरटैजिक नोच। इंटरटैजिक का मतलब दो टैजिक के बीच में जो नोच गड्ढा है उसका नाम इंटरटैजिक नोच, इंटरटैजिक नोच। अब ये हेलिक्स था, हेलिक्स कान के अंदर चला गया, इसने ये स्ट्रक्चर बनाई, इसका नाम हेलिक्स क्रस, जो कान के अंदर गई, अंदर वाले हिस्सों बोलते हैं हेलिक्स क्रस। जो हेलिक्स कान के अंदर गई, अंदर जो हिस्सा गया उसको बोलते हैं हेलिक्स क्रस। हेलिक्स क्रस ने ये गड्ढा था पूरा कान के अंदर, बड़ा गड्ढा, अगर आप हाथ लगा के देखें गड्ढे के दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। हेलिक्स क्रस के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सिम्बा कोंचा, हेलिक्स क्रस के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं केमम कोंचा। हेलिक्स क्रस का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला गड्ढा सिम्बा कोंचा और नीचे वाला गड्ढा केमम कोंचा। और फ्रेंड्स एक सुपीरियर क्रस था, इन्फीरियर क्रस था, इनकी वजह ट्रेंगुलर त्रिकोणी शेप बनती है उसको बोलते हैं ट्रेंगुलर फोसा, उसको बोलते हैं ट्रेंगुलर फोसा। फ्रेंड्स फिर मैं एक रिपीट करता हूँ, कान के नीचे वाला पोर्शन जो नाजुक पोर्शन या कान बाली पहनते हैं ईयर लोब, ये है हेलिक्स, बाहर का बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन हेलिक्स, और हेलिक्स के अंदर है एंटी हेलिक्स, ये बोनी स्ट्रक्चर एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स ऊपर गई सुपीरियर क्रस, नीचे गई इन्फीरियर क्रस, इन दोनों के बीच में गड्ढा है, तिकोना गड्ढा है, उसको बोलते हैं ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर का मतलब तिकोना, तिकोना गड्ढा, उसको बोलते हैं ट्रेंगुलर फोसा। और एंटी हेलिक्स जब नीचे गई तो बनाया एंटी ट्रैगस, और एंटी ट्रैगस के जो बोनी स्ट्रक्चर है उभार है, इस सामने एक और स्ट्रक्चर है उसका नाम है ट्रैगस। ये एंटी ट्रैगस है, ये ट्रैगस है, दोनों के बीच एक नोच है उसका नाम है इंटरटैजिक नोच, इंटरटैजिक नोच। हेलिक्स जब कान के अंदर गई उसने बनाया हेलिक्स क्रस, इस गड्ढे के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेलिक्स क्रस के ऊपर का पार्ट का नाम है हेलिक्स सिम्बा कोंचा और नीचे वाले का नाम है केमम कोंचा, ऊपर वाला सिम्बा कोंचा और नीचे वाला केमम कोंचा। फ्रेंड्स आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी, अगर कोई पार्ट क्लियर नहीं होता आपको दो बार चार बार छः बार आप वीडियो देख सकते हैं, आपको पार्ट्स लर्न हो जाएंगे। मैं फिर फाइनली अगर रिपीट करता हूँ, नीचे वाला ईयर लोब, ये वाला हेलिक्स, अंदर एंटीलिक्स था, एंटीलिक्स ऊपर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला सुपीरियर क्रस, नीचे वाला इन्फीरियर क्रस, नीचे आ गया एंटीटैगस। एंटीटैगस के सामने क्या है ट्रैगस। एंटीटैगस और ट्रैगस के बीच में, दो के बीच में जो चीज होती है उसको बोलते हैं इंटर, इंटरटैजिक, यानी कि दो के ट्रैजिक के बीच के नोच जो गड्ढा है उसको बोलते इंटरटैजिक नोच। हेलिक्स कान के अंदर आ गया, हेलिक्स क्रस बनाया, गड्ढे के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला सिम्बा कोंचा, नीचे वाला केमम कोंचा। फ्रेंड्स ये पार्ट्स हैं और आप वीडियो भी बार बार देख सकते हैं, और ये बार 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 आएंगे, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे। और मैं कान के ऊपर दिखाऊं तो फ्रेंड्स ये ईयर लोब है, नीचे वाला पोर्शन क्या है ईयर लोब, ये फ्रेंड्स क्या है हेलिक्स, और ये चीज है एंटीलिक्स। हेलिक्स के अंदर क्या है एंटीलिक्स, एंटीलिक्स कान के अंदर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ऊपर वाला सुपीरियर क्रस, नीचे वाला इन्फीरियर क्रस। सुपीरियर क्रस इन्फीरियर क्रस के बीच एक तिकोना गड्ढा बचता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर फोसा। एंटीलिक्स जब नीचे गई उन्हें उभार बनाया, ऊपरी स्ट्रक्चर थी उसका नाम है एंटीटैगस। एंटीटैगस सामने कान के छेद के ऊपर चीज है उसका नाम है ट्रैगस। ये एंटीटैगस, ये ट्रैगस, एंटीटैगस और ट्रैगस के बीच एक नोच गड्ढा है उसको बोलते हैं इंटरटैजिक नोच। और फ्रेंड्स हेलिक्स जब कान के अंदर गया ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हेलिक्स क्रस। हेलिक्स क्रस ने गड्ढे को दो पार्ट्स डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले का नाम सिम्बा कोंचा, नीचे वाले का नाम केम कोंचा। अब फ्रेंड्स कान के अब इनका अब मैंने बताए पार्ट्स, देखिए ये टोटल लगभग 14 पार्ट्स हैं, मैं केवल दो पार्ट्स की डिटेल आज बताऊंगा और बहुत डिटेल वो भी नहीं बता पाऊंगा, और आप जब करेंगे तो आपको 14 के 14 पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स में कितनी बीमारियों को इलाज हो जाएगा आप देखना। मैं दो पार्ट्स बताऊंगा ईयर लोब और ट्रेंगुलर फोसा। ईयर लोब की बात करें मैंने बोला था ये कान के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ कान बाली पहनते हैं वो वाला हिस्सा है, इसको इसके अंदर 9 पार्ट्स बनाएंगे। फ्रेंड्स कान थोड़ा नीचे खींच लेंगे, एक पेन से यहां लाइन लगाएंगे, 1 2 3 तीन लाइन यहां लगाएंगे और दो लाइन ऊपर से वर्टिकल लगाएंगे, टोटल 9 खाने बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो आपके फेस की तरफ पार्ट है, जो आपके तो फेस की तरफ पार्ट है
उसका नाम है टूथ, उसका नाम है टूथ, नेक्स्ट पार्ट है टंग और नेक्स्ट पार्ट है जॉ। टूथ टंग जॉ, ऊपर तीन पार्ट थे, तीन खाने बने, टूथ ये टंग ये जॉ। बीच वाला लाइन में आओ, जो फेस की तरफ पार्ट है न्यूरोस्थेनिया आई ईयर। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, अक्सर हमें ऑरिकुलर थेरेपी में लेफ्ट राइट वाला कंफ्यूजन रहता है, लेफ्ट साइड कौन सी, राइट साइड कौन सी, आगे कौन सी, पीछे कौन सी है। आपको लैंडमार्क यूज करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कौन चीज का लैंडमार्क है। इसका लैंडमार्क मैं बता रहा हूं, टूथ फेस की तरफ, देखिए कान के लोब एक फेस वाली साइड है, एक हमारी कमर गर्दन वाली साइड है, तो फेस वाली साइड में टूथ आएगा। तो आप कई बार आप क्या होगा, धोखा लगेंगे, आप टूथ इधर लग देंगे, टंग यहां कर देंगे, जॉ यहां कर देंगे, ये कंफ्यूजन हो सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लैंडमार्क क्या करना है, ये टूथ कहां है, फेस की तरफ, टूथ टंग जॉ। नेक्स्ट मिडिल लाइन में न्यूरोस्थेनिया, मैं डिटेल बताऊंगा अभी, अभी एक बार लर्न कर लें। न्यूरोस्थेनिया, बीच वाला आईज और लास्ट वाला ईयर, इंटरनल ईयर, लास्ट वाला क्या है, इंटरनल ईयर। और नीचे वाला लाइन में एंग्जाइटी पॉइंट, टॉन्सिल और ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया। अब मैं एक एक डिटेल बताता हूं। देखिए आपने कान खींचा, नौ खाने बना लिए, जो पहले वाला टूथ था, टूथ की कोई प्रॉब्लम आती है, देख कितना सिंपल है, आप टूथ का पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट शन में नौ रहा है, अभी अभी नहीं आया, बाद में आ जाएगा, आप टूथ का पॉइंट लगाएंगे, टूथ के पसीड लगाएंगे और शन में लगाएंगे, आपकी दर्द गायब हो जाएगी। एज ए टंग, टंग की कोई प्रॉब्लम है यहां लगाएंगे और साथ में जो भी होगा मैं बताऊंगा। अब जो कोई प्रॉब्लम है ये पॉइंट लगाएंगे। न्यूरोस्थेनिया को नर्व की कोई प्रॉब्लम है मैं डिटेल बताऊंगा अभी, यहां लगाएंगे। आंख की कोई प्रॉब्लम यहां लगाएंगे, ईयर की कोई प्रॉब्लम यहां लगाएंगे, आप एंग्जाइटी टेंशन यहां लगाएंगे, टॉन्सिल यहां लगाएंगे, और ये ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया मैं डिटेल बताता हूं। अब मैं एक एक करके डिटेल बताता हूं। टूथ, टूथ के अंदर कोई प्रॉब्लम, मान लो टूथ के अंदर आपको इन्फेक्शन है, टूथ के अंदर कैविटी है, टूथ के अंदर स्वेलिंग होगी, टूथ के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, टूथ के अंदर आरसीटी करनी पड़ रही है, आप कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये टूथ का पॉइंट देंगे। टंग, टंग के कोई, टंग के ऊपर छाले हो गए, टंग की वजह आप स्पीच ठीक नहीं कर रहे, टंग की ना हो ठीक होने के तो तुतला रहे हैं, टंग की वजह से सलाइवा आपके मुंह से लार ज्यादा निकल रही है, मुंह से बाहर निकल रही है, और या कई मुंह सूखा रहता है कईयों का, लार ज्यादा निकले कम निकले, स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो, छाले हो, आप ये पॉइंट लगाएंगे। और जॉ में प्रॉब्लम हो, आपके जॉ में कैविटी हो रही हो, जॉ में स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, ठंडा गर्म लगता हो, आरसीटी की प्रॉब्लम करनी हो, या जार को निकालना है, एक्सट्रैक्शन करना है, तो भी आप ये पॉइंट देंगे, साथ में न्यूरोस्थेनिया देंगे, फ्रेंड्स आपकी दर्द एकदम खत्म। फ्रेंड्स फिर आएगा न्यूरोस्थेनिया, कोई भी नर्व की प्रॉब्लम, नर्व का मतलब जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। जिस तरह से कोई भी एंग्जाइटी है, टेंशन है, इंसोमनिया है, पार्किंसन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट देंगे आप। आईज की प्रॉब्लम, कोई भी आंख की क्या है, आंख पे आंख जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आंखें आपको सूखी सूखी लगती हैं, आंख को दिखना कम हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस है, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, या मायोपिया की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, आप ये पॉइंट दें। इंटरनल ईयर, आपको कान सुनना कम हो गया, या आपके कान पर्दा फट गया, या आप कान में टीनिटस घंटियां बजती हैं, तो ये पॉइंट देंगे। एंग्जाइटी, आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, तो ये पॉइंट देंगे। ये फ्रेंड्स टॉन्सिल, बच्चों के अक्सर टॉन्सिल हो जाते हैं, गला खराब हो जाए या कुछ निगलने में दिक्कत आ जाए, तो गले में खारिश खारिश होती है, खिचखिच होती है, तो ये पॉइंट देंगे। ये ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया, फ्रेंड्स कोई भी उभार वाली स्ट्रक्चर आ जाती है, जैसे एक ओवरी के अंदर सिस्ट हो जाए बन जाती है, ट्यूमर्स बन जाते हैं, कोई भी आउटग्रोथ हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया दें। कोई भी आउट कुछ उभार हो जाता है, कोई भी सिस्ट बन जाती है, उभार बन जाता है, कोई फोड़ा बन जाता है, उस केस में ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया देंगे। तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे, टूथ का इन सब का मैंने पॉइंट्स एक करके बता दिया, जहां भी प्रॉब्लम हो वो पॉइंट दें। और अगर ये टीएमजे है, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, कई बार कई जबड़ा नहीं खुलता, खासकर उनका लोगों को जबड़ा नहीं खुलता जो पान खाए रखते हैं और मुंह मंद रखते हैं, अक्सर मुंह बहुत कम खोलते हैं, उनको टीएमजे की प्रॉब्लम होती है, या लोग खुल के हंसते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, तो उनका जबड़ा कई बार सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, जॉइंट ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी टीएमजे की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड इतने पॉइंट्स हैं, तो
कान के ऊपर मैंने ये पॉइंट लगा के देखे थे कि फ्रेंड्स ये मेरे पॉइंट का टूथ टूथ की प्रॉब्लम ये है। मैं पहले मैंने चार्ट पर सिखाया, मैं आपको एक्चुअल ईयर पर सिखाऊंगा। टूथ टंग जॉ न्यूरोस्थेनिया आई ईयर एंजाइटी टॉन्सिल और ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया ये है। और फ्रेंड्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप ये ध्यान रखें टूथ आपका ये फेस की जगह, आपका मुंह इधर है, इधर आपकी कमर होती है, इधर मुंह है, आप ये याद रखें टूथ यहाँ है, आप गलती यहाँ मत लगा देना। तो टूथ यहाँ है, न्यूरोस्थेनिया नहीं यहाँ है, तो ये आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपने किस तरफ स्टार्ट करना है। टूथ आपने करना फेस की तरफ से, टूथ टंग जॉ न्यूरोस्थेनिया आई ईयर एंग्जाइटी पॉइंट टॉन्सिल ट्यूमर स्पेसिफिक। इसको लर्न करने के तरीका फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, आपको लर्न नहीं होते, एक होता है इसको बोलते TTG। आप जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, यूपी सिंह जी एक फार्मूला बताते ट्रिक बताते अच्छी है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में TT आता है और TT जब अक्सर नहीं आता तो आप ये वो TTG नहीं आते, आप क्या याद रखेंगे TTG, टी में टूथ, सेकेंड टी में टंग, जी का मतलब जॉ, TTG नहीं, NEE नहीं, NEE नहीं आते, ATT, ए मीन्स एंग्जाइटी, ट्यू मीन्स टॉन्सिल, टू मीन्स ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, TTG नहीं आते, TTG टू टंग जॉ नहीं, NEE आते, ATT। तो ये आप इस तरह से लर्न कर लेंगे, एक सुपर ट्रिक है लर्न करने की। फ्रेंड्स दूसरा पार्ट है ट्रायंगुलर फोसा। ट्रायंगुलर फोसा क्या है? ये ट्रायंगुलर फोसा फ्रेंड्स, ये त्रिकोणीय स्ट्रक्चर, सुपीरियर क्रस्ट और इंफीरियर क्रस्ट के बीच पिलर वाला स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर फोसा है। इसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा इसका। ये त्रिकोणीय स्ट्रक्चर बनी, एक बीच में बिल्कुल सेंटर लाइन लगा लेंगे, एक नीचे लाइन लगा लेंगे, एक ऊपर लाइन लगा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जितने मॉर्फोलॉजी के पार्ट है, ईयर लोब है, ईयर लोब आपकी फेस की प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फेस या आपका आपका हेड का पोर्शन है, हेड के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगी आपने ईयर लोब देखना है। और ये जो ट्रायंगुलर फोसा है, खास करके लेडीज की कंसेप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, कंसीव नहीं हो पाती या पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो सारी प्रॉब्लम्स का इलाज इसमें ट्रायंगुलर फोसा में होता है। इसमें तीन लाइन लगा लेंगे, एक बीच वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन, एक ऊपर वाली लाइन। सबसे पहले बीच वाली लाइन लेंगे फ्रेंड्स, जब तीनों पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट पेल्विस, पेल्विस क्या होता है जो हमारी साइड वाली होती है, क्या बोलते हैं इस बिंदी में पेल्विस को, जो कुल्ला कुल्ले वाले को पेन है यहां लगाएंगे, और यहां एडनेक्सा। अभी फ्रेंड्स एडनेक्सा नहीं समझेंगे, बाकी रटवा देते हैं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। एडनेक्सा एक फ्लूड होता है या एडनेक्सल मास बन जाता है, आपको डिटेल बताऊंगा अभी क्या होता है एनाटॉमी में। देखिए एक बीच वाली लाइन, ये पेल्विस, ये एडनेक्सा, पेल्विस कॉमन है, पहला पॉइंट एडनेक्सा, दूसरा सर्विक्स, तीसरा यूट्रस। एडनेक्सा की प्रॉब्लम होगी यहां लगाएंगे, सर्विक्स की प्रॉब्लम यहां लगाएंगे, यूट्रस की प्रॉब्लम यहां का लगाएंगे। मैं एडनेक्सा सर्विक्स यूट्रस बहुत डिटेल बताने जा रहा हूं, अभी फिलहाल याद रख लें एडनेक्सा सर्विक्स यूट्रस। और ऊपर की लाइन में बिल्कुल एडनेक्सा के सामने ऊपर पॉइंट शेनमन, मैंने भी बोला था टूथ की प्रॉब्लम हो, टंग की प्रॉब्लम हो, साथ में शेनमन लगाना है फ्रेंड्स, वो शेनमन ये है। शेनमन का मतलब है किसी भी चीज को कम करना है तो शेनमन लगाते हैं। कोई भी पेन है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई चीज बड़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप ये शेनमन लगाएंगे। ये हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, ABCDE कोई भी हेपेटाइटिस हो, आप ये लगाएंगे। और फ्रेंड्स ये डिक्रीज बीपी पॉइंट, फ्रेंड्स आजकल के कॉमन प्रॉब्लम बीपी, अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट लगाएंगे और साथ में शेनमन, ये पॉइंट और शेनमन ये लगा देंगे, बीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ में फ्रेंड्स ये है अर्थराइटिस पॉइंट, एक्चुअली हेलिक्स पे आता है, इसको भी नहीं बताऊंगा फिलहाल, आज इतना ही समझें, हेलिक्स का बात बताऊंगा। और नीचे वाली लाइन में पहला है ग्रोइन, अगला कॉन्स्टिपेशन। ग्रोइन का मतलब जांघों में कई बार आपको इचिंग होने लग जाती, खारिश हो जाती है, खास करके प्रॉब्लम लेडीज में ज़्यादा है, ल्यूकोरिया की वजह से कह लीजिए, या उनकी सॉफ्ट मसल्स होती हैं, या थाइज भारी होती हैं, उनके रगड़ाव होता है, उस वजह से हो जाता है, या ये कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट देंगे। फ्रेंड्स मैं रिपीट करता हूँ, इस गड्ढे को तीन पार्ट डिवाइड कर लेंगे, पेल्विस से स्टार्ट होगा, एक बीच वाली लाइन में एडनेक्सा सर्विक्स यूट्रस, मैं बहुत डिटेल बताऊंगा एडनेक्सा सर्विक्स यूट्रस के बारे में, अभी एक बार लर्न कर लें एडनेक्सा सर्विक्स यूट्रस। ऊपर लाइन में शेनमन, किस चीज़ को कम करना है, हेपेटाइटिस,
पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ए बी सी डी कोई भी होगा वो देना है, डिक्रीज बीपी पॉइंट, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है ये बीपी की पॉइंट देंगे, साथ में शेनमन देंगे, और नीचे लाइन में ये ग्रोइन और ये कॉन्स्टिपेशन। एक फ्रेंड इन चार पॉइंट्स को मिला देंगे, एक पॉइंट आता है बीच में ये पॉइंट स्टार जो बीच वाला है, इसका नाम है फलोपियन ट्यूब। अगर कईयों बार कईयों की फलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, वो मूव नहीं कर पाता, कंसीव नहीं कर पाती लेडीज, तो ये पॉइंट देंगे। ठीक है, मैं इनको मैं आगे और डिटेल लेता हूं। इसको कान पर देखें, कान के ऊपर देखें, ये पेल्विस, ये मैंने पेल्विस बोल रहा था, ये एडनेक्सा, ये सर्विक्स, ये यूट्रस, ऊपर लाइन में एडनेक्सा के ऊपर आएगा शेनमन, हेपेटाइटिस, ये था डिक्रीज बीपी पॉइंट। नीचे वाला लाइन में नीचे ग्रोइन और ये कॉन्स्टिपेशन, ये पॉइंट है। और फ्रेंड्स एडनेक्सा, एडनेक्सा और सर्विक्स के जब ये ब्लू एरिया है, ये एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन का मतलब होता है एलर्जी, एलर्जी को कम करने वाला, कोई भी एलर्जी है, खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, आपको कोई इचिंग हो रही है, तो ऐसे केस में दमा हो रहा है, इस सब सारे एंटी, इनको लिए एंटी एलर्जी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट टेंडर पॉइंट सर्च करते हैं तो यहाँ देते हैं। तो आपको पॉइंट्स पता लग गया, आप शेनमन का पता लग गया, आप इतने एक ही दिन में, आप देखिए इतने ट्रीटमेंट आप एक ही दिन में कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने दो बताई चीजें, इससे पहले इसकी मैं एनाटॉमी के बारे में बताऊं, फ्रेंड्स मैं बताना चाह, एक बुक मार्केट में आने वाली है अभी, मेरी बुक है मैनुअल ऑफ ऑरिकुलर थेरेपी, ये आपके लगभग 15 डेज में आपका आपके अवेलेबल हो जाएगी, और इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये ट्रेनिंग के का मैनुअल, कंप्लीट मैनुअल है, आप ट्रेनिंग आप करते हैं साथ में, अगर बुक होगी आप पूरा डिटेल मास्टर बन जाएंगे, और जितने पॉइंट्स हैं मैं आपको एक एक करके जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है, वो पॉइंट क्यों लगाए हैं, किस किस डिजीज में काम आता है, और बहुत सुंदर डायग्राम्स हैं, आप डायग्राम देख खुश हो जाएंगे। और सिंपल ट्रिक, प्रोटोकॉल बनाने की ट्रिक बता रखी है, कि अगर आप प्रोटोकॉल बनाना मुश्किल होता है ऑरिकुलर थेरेपी में, पूरी ट्रिक अगर आप ट्रिक समझ जाएंगे आपको प्रोटोकॉल बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है फ्रेंड्स, आप हमेशा आपके पास रहेगी, और आप गुम नहीं होगी क्योंकि वेबसाइट के ऊपर है, कभी ऐसा नहीं कि आपकी बुक कोई ले जाए, चोरी कर जाए, कुछ नहीं होगा, वेबसाइट के ऊपर है, आप कहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं वेबसाइट खोलें पूरे वर्ल्ड में, और इसको आप दे सकते हैं, और हर 6 महीने बाद फ्रेंड्स इसकी अपडेट आती रहेंगी, हर 6 महीने बाद ये चेंज होती रहेगी, मॉडिफाई होती रहेगी, और मॉडिफाई होगी तो आप पर ऑटोमेटिकली मॉडिफाई आएगी। और बहुत सुंदर डायग्राम है, कलरफुल बुक है, रेडीमेड नोट्स हैं, आपको कुछ नोट्स लर्न करने की जरूरत, मालूम मैं पढ़ा रहा हूँ आप चीज़ें साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे, तो बुक में हर चीज आपकी रिटन फॉर्म में है। फ्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में का सॉफ्टवेयर क्या मकसद है, जिस तरह ऑरिकुलर थेरेपीज है, मैंने आपको प्रोटोकॉल बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, तो मैंने 232 डिजीजेज उसमें नोट कर की हैं, आप क्लिक करेंगे वो डिजीज आ जाएगी, उसकी कॉस्ट है 49 रुपीज, और उसके अंदर 232 डिजीज कवर करके हैं, और 165 पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, और वो मैं फ्रेंड आपको बताना चाह रहा हूं वो कैसे होगा, वो आपका यूज कैसे होगा। फ्रेंड्स ये ऑरिकुलर थेरेपी, आप ऑरिकुलर थेरेपी सॉफ्टवेयर ऊपर लिखेंगे यहां पर ये आ जाएगा, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और खुल जाएगा, खुलने के बाद ये नीचे कैटेगरी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे डिजीज आ गया। आपने कोई डिजीज, फॉर एग्जाम्पल आपने करना है किसी को एलर्जी है किसी को, या कोई भी ले लीजिए, कोई भी डिजीज ले लीजिए, मान लो एस्थमा है, सिंपल डिजीज लेते हैं, मान लो कोई भी एस्थमा, आप टाइप करेंगे एस्थमा, तो क्लिक करेंगे तो एस्थमा का आपका प्रोटोकॉल, एस्थमा का भी आ गया, ब्रोंकियल एस्थमा का भी आ गया, जो आपको चाहिए आप यू क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका पूरा कान का फोटो आ जाएगा, और कान का फोटो आने के बाद आपका पूरे पूरे ये पॉइंट्स आपके पास आ गए, आप पॉइंट्स देखते जाएंगे और आप ये लगा लेंगे, और पॉइंट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये पॉइंट क्यों लगा, एलर्जी स्पेसिफिक एरिया क्यों लगाया आपने, न्यूस्टीनिया के एरिया क्यों लगाया, लंग्स क्यों लगाया, ब्रोंकियल एरिया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्स्टिपेशन लेना है, कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही आ गया, कॉन्स्टिपेशन लेना है, क्लिक करेंगे ये कॉन्स्टिपेशन आ गया, ये कॉन्स्टिपेशन ईयर्स के फोटो आ गए, आप पूरे फोटो से हैं, आप इसको एक एक करके पॉइंट्स लगा सकते हैं, और नीचे रीजनिंग दी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह आप पॉइंट्स ढूंढने, आपको
टूथ का पॉइंट, मान लो आपने टंग ढूंढना है, टंग नहीं जान आ रहा, आपको टंग ढूंढा तो टंग ये आ गया, उसका व्यू ये लोकेशन आ गई, ये इस डायग्राम में ये टंग की आप लोकेशन आ गई। इस तरह कोई भी पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं और कोई भी डिजीज आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद ये आप सॉफ्टवेयर, अब मैं फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगा सॉफ्टवेयर के साथ एक आप ना 25 रुपीज की ट्रेनिंग फ्री है, आप कोई भी ट्रेनिंग, आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग लें, या मेरी एक एक अलग वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रेनिंग है, 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, आप वो वीडियोज वो उसकी कॉस्ट है 25 रुपीज, वो 2500 रुपए वाली आपकी ट्रेनिंग आप वो फ्री ले सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग एनी वन, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लें या 2500 वाली वीडियो ट्रेनिंग ले लें, वो आपकी फ्री है। इसकी क्या खासियत, क्या चीज है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत, 232 डिजीज हैं, कलरफुल डिजीज सारे दे रखी हैं, पूरा परफेक्ट ट्रीटमेंट है। आपको अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी ट्रीटमेंट आपका सही होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका टाइम बचता, आपका पेशेंट आया आपको सोचने का टाइम नहीं लगा, आपने फटाफट ट्रीटमेंट दे दिया, रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर आएंगे और रिटर्न ऑफ मनी आपको बेटर होगा, रेपुटेशन इजी। मान लो आज आपने ट्रीटमेंट दिया, अगली बार आपको ध्यान नहीं रहा मैंने ट्रीटमेंट क्या प्रोटोकॉल दिया था, तो आपके पास पहले वाला प्रोटोकॉल आप क्लिक दोबारा करेंगे तो वही रिपीट हो जाएगा, तो आपके रिजल्ट बेटर हो जाएंगे। और कोई पॉइंट लोकेट करना है वो इजी है, पूरे डिटेल है हर पॉइंट की, कोई पॉइंट टूथ का किस किस चीज यूज होता है पूरे डिटेल है, या डिजीज रिलैप्स नहीं होगी, और सर्च करना बहुत आसान है, और रीजनिंग दी हुई ये पॉइंट लगा रहे थे क्यों लगा रहे हैं, और ट्रेनिंग जैसे मैंने पहले बताया 2500 रुपए फ्री है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और कोई गुम होने खतरा नहीं क्योंकि वेबसाइट पर है, ये नहीं कि आपसे कोई ले गया, चोरी हो गया, मेरा मोबाइल टूट गया, गुम हो गया, कुछ नहीं है, ये हमेशा वेबसाइट पर रहेगी, भले आप कितने मोबाइल बदल लें ये आपको हमेशा अवेलेबल होगी, और कहीं पर भी आप वर्ल्ड में देखकर इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं एक मेरी टीचिंग और दूसरे में फर्क है, मैं एक एनाटॉमी और बताऊंगा। फ्रेंड्स मैंने बोला एडनेक्सा, मैंने बोला सर्विक्स, बाकी टीचर आपको एडनेक्सा सर्विक्स बोल के खत्म कर देंगे, मैं आपको सारा कंसेप्ट समझाऊंगा, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, बेबी कैसे बनता है, एडनेक्सा क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, आप सौ बता, एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा सिर्फ, आज मैं ट्रायंगुलर फोर्स का, और ऐसे में सभी जितने पार्ट्स हैं 14 पार्ट्स हैं सभी की एनाटॉमी बताऊंगा। अब सिर्फ आज मैं ट्रायंगुलर फोसा में मेल और फीमेल का क्या रोल है, बेबी कैसे बनता है वगैरह वगैरह मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स एक प्रोसेस होती है, फीमेल के अंदर ओम बनता, अंडा बनता है, और मेल के अंदर स्पर्म बनता है, दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों मिलने से, जब दोनों मिले फर्टिलाइज हो गया तो बेबी बनता है। तो फीमेल में क्या होता है, देखिए ये मशीनरी फीमेल में कंप्लेक्स है, मेल में तो बड़ा सिंपल है। ये फीमेल के अंदर ये फ्रेंड ओवरी हैं दो, मैंने बोला था ओवरी का पॉइंट बोला था, ये ओवरी का पॉइंट ये है, ओवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है आप, ये लोकेशन है ओवरी, ओवरी के बाद क्या होता है फेलोपियन ट्यूब, दोनों ओवरी में एक एक फेलोपियन ट्यूब निकलती है, ये फेलोपियन ट्यूब मैंने बोला था कई बार फेलोपियन ट्यूब श्रिंक हो जाती है, अभी बोला था आपको, तो कई बार श्रिंक अगर हो जाएगी, अगर अंडा ही नहीं चल के आएगा या स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा तो कंसीव लेडी कंसीव नहीं हो जाएगी, कंसीव नहीं हो पाएगी, तो कई बार ये ओवरी श्रिंक, ये फेलोपियन ट्यूब श्रिंक कर जाती है। ओवरी के अंदर कई बार सिस्ट बन जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी ओवरी का ट्रीटमेंट देंगे। फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो फेलोपियन ट्यूब को प्रॉब्लम देंगे। फ्रेंड ये यूट्रस के अंदर आप वजाइनल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, रुक रुक के हो रही है, थोड़ी हो रही है, बहुत लंबे अंतराल पर होती है, या बहुत ज्यादा होती है, या मेनोपॉज आने से आपको प्रॉब्लम्स आ गई, तो यूट्रस का ट्रीटमेंट देते हैं। ये सर्विक्स मैंने भी आपको बोला था, एक एडनेक्सा था बोला था, एक सर्विक्स बोला था, ये सर्विक्स ये है, कई बार फ्रेंड्स यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, इसकी वजह स्पर्म अंदर नहीं जा पाता, होल बंद हो जाएगा, स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे तो लेडी कंसीव नहीं कर पाएगी। तो एक ये डायग्राम था। एक फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखो मेल फीमेल मिलते कहाँ पर है, वो फ्रेंड इस ट्यूब में मिलते हैं, यहाँ पर इधर से ओम आएगा और इधर से स्पर्म आएगा, दोनों यहाँ होंगे। आम तौर पे लोग सोचते हैं कि यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, यूट्रस नहीं अंदर दी होती, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं, कहते हैं दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलेंगे, दो कदम स्पर्म चल के जाते हैं और दो कदम ओवम चल के जाता है, और फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर नहीं होती है। और जब ये हो जाएगा तो बेबी जब बन जाएगा, दोनों फर्टिलाइज हो गए तो बेबी यहां आ जाएगा और यहां पर बेबी बनता यहां पर है, फर्टिलाइजेशन यहां होती है, मिलते यहां है और बेबी यहां आके दिमाग सा चिपक जाएगा और यहां उसको बेबी पूरे ग्रोथ 9 महीने इसी के अंदर ग्रोथ होती है। देखिए ये स्पर्म है फ्रेंड्स, ये स्पर्म यहां से गए, ये स्पर्म जा रहे हैं, इधर स्पर्म जा रहे हैं, इधर ओम आ रहे हैं,
ये स्पर्म जा रहे हैं, स्पर्म यहां से गए, ओम यहां से आए, दोनों यहां पर मिले, यहां फर्टिलाइजेशन। देखिए ये इधर से ओम गया, इधर स्पर्म गया, ये फर्टिलाइज हो गया। एडनेक्सा क्या होता है? मैंने बोला था एडनेक्सल मास, कई बार थिकनिंग हो जाती है, बहुत मोटी मोटी चीज होती है, ओवरी सिस्ट बन गए, एडनेक्सल मास बन गया, एडनेक्सल मास हो जाए तो आपको एडनेक्सा का पॉइंट देना है, साथ में शेनमन देना है, एडनेक्सा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेडीज के कंसेप्शन में बहुत इसका रोल है फ्रेंड्स, ऑरिकुलर थेरेपी का। ये एडनेक्सा है, सब कुछ मोटा मोटा हो रहा है, बॉडी भी स्वेलिंग हो रही है, फेलोपियन ट्यूब स्वेलिंग हो रही है, यूट्रस स्वेलिंग हो रही है, सारा इसको बोलते हैं एडनेक्सल मास। एडनेक्सल मास होगा तो फ्रेंड्स लेडीज को क्या फील होगा, उसको क्या होगा, एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग बार बार होने लग जाए, इरेगुलर, कभी आ गई कभी रुक गई कभी आ गई, कोई टाइम नहीं है, उसको अफारस होने लग जाएगा, उसका पेट अफर जाएगा, यूरिन में बार बार आने लग जाएगा, पेल्विक के अंदर पेन होने लग जाएगा, पेट के नीचे वाले साइड में, एब्डोमिन के नीचे वाले साइड में अक्सर उसको हमेशा भारी भारीपन रहने लग जाएगा। और ये था फीमेल के बारे में, और फ्रेंड्स ये है मेल के बारे में। मेल के अंदर सिंपल ये ओम है, ये स्पर्म है, एक ओम के साथ एक स्पर्म मिलता एक बेबी बनता है फ्रेंड्स। मेल के अंदर सिंपल स्पर्म है, और मेल के अंदर ज्यादा मशीनरी कंप्लेक्स नहीं है, मेल के अंदर ये स्पर्म को अगर लार्ज करें, ये स्पर्म है फ्रेंड्स। मेल के अंदर दो ही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मेल के अंदर, मेल अगर कंसीव नहीं कर पाता लेडीज को, तो दो ही प्रॉब्लम होती है, या तो स्पर्म काउंट कम है, मान होने चाहिए स्पर्म काउंट इतने मगर हैं इतने, अगर स्पर्म काउंट कम है तो कंसीव लेडी बहुत लेट होगी, समय ज्यादा लग सकता, हो जाएगी पर समय ज्यादा लग सकता है स्पर्म कम होगी तो। और या कई बार क्या होता है, मोटिलिटी कम होती, मोबिलिटी कम होती, स्पर्म कण बहुत तेजी से दौड़ते हैं, क्यों उन्होंने, मैंने बताया आपको, ये आप डायग्राम थ्रू सिखाता हूं, यहां से दौड़ के जाना होता है, अगर ये मोबिलिटी नहीं होगी, इनके अंदर ताकत नहीं होगी कि यहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो दो ही कारण होते हैं, या तो स्पर्म कम होते हैं या मोबिलिटी कम होती है, अगर मोबिलिटी कम है तो भी वो लेडी के पास स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएंगे और लेडी कंसीव नहीं कर पाएगी, तो दो ही कारण यूजली होते हैं। और फ्रेंड्स ये स्पर्म बनते कहां हैं, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, मेल की टेस्टिस होती है, एंडोकोर्स जिसको बोलते हैं, या बनते हैं ये यहां से वास डिफरेंशिएट होकर चलते हैं जाते हैं, वास डिफरेंशिएट होकर सेमिनल वेसिकल है यहां पर आते हैं, सेमिनल वेसिकल जो कि प्रोस्टेट में जाते हैं, प्रोस्टेट इनको नरिश करता है, इसमें खुराक देता है इसको, और यहां से होके पेनिस के थ्रू होके यूरेथ्रा के थ्रू होके वजाइना में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम प्रोस्टेट को बीमारी समझते हैं, प्रोस्टेट बीमारी एक्चुअल नहीं है, जब तक जवानी होती है तो प्रोस्टेट काम करता है, मगर बुढ़ापे में जब इसका रोल खत्म हो जाता है ये अपने आप बीमार पड़ जाता है, इसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जब प्रोस्टेट होता है तो बार बार की यूरिन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड यूरिन हो जाएगा, कभी यूरिन बीच में निकल जाएगा, तब ये प्रोस्टेट का पॉइंट देंगे और आपको शेनमन देंगे, आप प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फ्रेंड थोड़ा और डिटेल लें, ये टेस्टिस से बनी थी, टेस्टिस स्पर्म एपिडिडाइमस में गए, एपिडिडाइमस में वास्कुलर डिफरेंस में गए, वास्कुलर डिफरेंस से आप सेमिनल वेसिकल में आए, फिर प्रोस्टेट में गए और पेनिस में यूरेथ्रा के थ्रू होके बाहर निकल गए। ये थे फ्रेंड्स मेल के अंदर कंसेप्ट। फ्रेंड्स कई बार ट्विंस बन जाते, जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे दो तरह के, आपने बड़ा देखा होगा, बड़ी कॉमन चीज होगी, जुड़वा बच्चे दो तरह के होते, कई बार तो जुड़वा बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं और कई बार बिल्कुल अलग होते हैं, मैं दोनों मैकेनिज्म बताता हूं। क्या होता है कि एक स्पर्म आया, उसने एक ओवम को फर्टिलाइज किया, मगर उस दो पार्ट बन गए, एकदम दो पार्ट बन गए, तो दोनों बेबी अलग अलग हो गए, वो बिल्कुल सेम बच्चे होंगे, दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी, दोनों की नेचर, दोनों की बिहेवियर, दोनों की शक्ल सेम डिटो डिटो होगी, एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकती है वो अलग बात है, बाकी उनके स्ट्रक्चर बिहेवियर सेम होगा। एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, जब एक ओवम एक स्पर्म ने एक ओवम फर्टिलाइज किया मगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ठीक है। एक होता है फर्टिलाइज ट्विंस, उसमें क्या होता है दो एग और दो स्पर्म मिल गए, एक के बजाय दो ओवम और दो स्पर्म मिल गए, दो बच्चे होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लड़का हो सकते हैं लड़की हो सकते हैं, एक के करेक्टर अलग होंगे दूसरे करेक्टर अलग होंगे, दोनों कुछ भी मेल नहीं होगा, टोटल इंडिपेंडेंट होंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज ट्विंस। ये दो तरह ट्विंस होते हैं, दोनों कारण, एक केस में क्या होता है एक स्पर्म एक ओम करता है मगर वो ओम दो में स्प्लिट हो जाता है, दो बनेंगे ट्विंस, वो आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, बिल्कुल सेम हो गए, मगर जब दो स्पर्म और दो ओम अलग अलग हो गए तो बिल्कुल अलग अलग होंगे, उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी। एक फ्रेंड्स मैं आपको जब आप ट्रेनिंग लेंगे
मैं एक आपको 10 पॉइंट प्रोटोकॉल फॉर्मुलेशन बताऊंगा, बहुत सिंपल बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, 10 पॉइंट हैं। अगर आप पॉइंट वो लर्न कर लेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, ट्रिक है, अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको प्रोटोकॉल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से प्रोटोकॉल बना लेंगे। आप कभी भी रिपीट भी करना पड़ा, आप कभी प्रोटोकॉल भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, एक होता है नीडलिंग प्रोसीजर, इसमें मैंने बताया था नीडलिंग लगाते हैं, और नीडलिंग लगाने का तरीका मैं आपको जब ट्रेनिंग लेंगे मैं बहुत अच्छी तरह आपको सिखाऊंगा नीडलिंग। फ्रेंड्स, आप नीडलिंग कौन लगवाता है और सीड कौन लगवाता है? आमतौर पर मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेडीज सीड्स लगवा कर आती हैं, नीडल लगवाने से कतराती हैं, उनको डर लगता है, नीडल नहीं लगवाती। और दूसरी बात, उनको सीड लगाते हैं, उनके सीड का बालों से ढक जाते हैं, बाहर गंदे नहीं लगते। मगर जेंट्स कोई ऑफिसर है, वो सीड लगवा के ऑफिस में नहीं जाना पसंद नहीं करता, वो कहता नीडल लगा दो और मगर उतार दो ऑफिस में, मैं सब शो नहीं करना चाहता कि मैंने कुछ ट्रीटमेंट ले रखा है। तो वो जेंट्स मोस्टली नीडल लगवा कर आ दिए, नीडल केवल 40 मिनट लगानी है, लगा के उतार देनी है, ऑफिस में नॉर्मल जाएगा। और अब वो भी अल्टरनेट डे पे नीडल आप अल्टरनेट डे पे लगा सकते हैं, सीड 5 दिन लगाना है, नीडल अल्टरनेट डे पे लगानी है, आपका बिजनेस भी ठीक चलेगा, उनको भी ठीक है। तो जेंट्स मोस्टली नीडल लगवाते हैं और लेडीज मोस्टली सीड्स लगवाती हैं। ईयर अपेक्स ब्लीडिंग, फ्रेंड्स कई बार आपका फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, या बीपी शूट कर गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या सडनली पैरालिसिस अटैक हो रहा है, ऐसे केस में ईयर अपेक्स ब्लीडिंग करते हैं। ईयर अपेक्स के ऊपर कुछ नीडल लगा के आपको ब्लीडिंग करते हैं, कुछ ड्रॉप्स खून के निकालते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम जो बढ़ रही है वो सस्टेन हो जाती है, रुक जाती है। तो वो भी मैं आपको ट्रेनिंग जब लेंगे वो मैं सारी बातें आपको सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, 10 ट्रायंगल्स हैं, ये आपको कोई भी दिखाएगा, 10 ट्रायंगल्स का मतलब कुछ ऐसी ट्रायंगल्स हैं, वो 3 पॉइंट ऑफ ऑरिकुलर थेरेपी, 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। वो ट्रायंगल्स हैं, आपको कोई भी सिखाएगा पूरे वर्ल्ड में कहीं आपको कोई नॉलेज नहीं देगा, वो ट्रायंगल्स आपको बताऊंगा, वो ट्रायंगल्स कौन सी हैं, केवल 3 ट्रायंगल लगाएंगे और तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। एक फ्रेंड्स एनाटोमी फिजियोलॉजी, जिस तरह मैंने आज आपको ट्रायंगुलर फोसा बताया और ट्रायंगुलर फोसा की मैंने एनाटोमी फिजियोलॉजी बताई, ओवरी सिस्ट ये सारे क्या चीजें हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ट्विंस कैसे बनते, सारा कुछ बताया, ये मैं सिखाऊंगा आपको। ऑरिकुलर थेरेपी में कोई नहीं सिखाएगा। फ्रेंड्स, इसका सिखाना ये जरूरी होता है, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता आप रट तो लेंगे, रट्टू थेरेपिस्ट तो बन जाएंगे मगर रिफाइंड थेरेपिस्ट नहीं बन सकते जब तक आपको एनाटोमी नहीं पढ़ा। आप जिस तरह से एंटीडिक्स पढ़ाऊंगा, बोन स्ट्रक्चर में क्या होती है, डिस्क प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्क क्यों बनती है, डिस्क की क्या सिचुएशन थी, डीजनरेट कैसे होती है, कौन जल्दी ठीक हो जाएगी, कौन से ठीक होने में टाइम लगेगा, ये सारी चीजें आपको मैं एक करके सभी बताऊंगा। जितने आपकी 14 फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं, 14 के 14 की आपको मैं एनाटॉमी सिखाऊंगा, आप बाकी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। इसके सिवा आपको फ्रेंड्स, आपको कुछ सामान जरूरत है, आपको मैं सेलर्स का एड्रेस दूंगा, आप जो मेरे आप उसके ऊपर एक विजिटिंग कार्ड दूंगा, उसके ऊपर सेलर के रेट लिखे होंगे, अगर उससे सस्ते आप कहीं मिले आप और कहीं से ले लो, मैंने आपके लिए नेगोशिएट करके कम से कम रेट करवाए हैं, वो विजिटिंग कार्ड चला जाएगा, आप सेलर को बोलना मेरे ये रिक्वायरमेंट है, तो आपको वही रेट आपको देने पड़ेंगे क्योंकि वो कमिटेड है। अगर रेट बढ़ जाए बाद में महीना 2 महीने बाद तो पता नहीं है, पर फिलहाल आप उसी रेट पर देगा, आपसे रेट नेगोशिएट आप नहीं करेगा, और आपको उसे सस्ता कहीं मिले आप कहीं सस्ता ले सकते हैं, मगर उससे नेगोशिएट करके कोशिश करिए कम से कम रेट हो। और फ्रेंड्स, आपको क्या क्या चाहिए, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा इससे पहले आप ट्रेनिंग लें आप ये चीजें आप अपने पास आपके पास होनी चाहिए। एक ऑरिकुलर सीड्स मैंने बता दिया, ऑरिकुलर सीड्स हैं लगभग 130 रुपये का आता है, ऑरिकुलर नीडल्स मेरे को ध्यान नहीं कितने का आता है, ऐसे नीडल्स ले लेंगे, एक डर्मा नीडल्स आती हैं वो भी ले सकते, लेना चाहो जरूरत नहीं होती, डर्मा नीडल यूजली यूज नहीं करते, जिम्मी ये छोटी जिम्मी होती है ये 14 रुपये की 14-15 रुपये की आती है, एक ये डम्मी ये अगर आप ले लेंगे इसका फायदा ये होता है आपको, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आज आपने ये लो पढ़ा, आपने टू चंग जा नुरुस्तनी आई ईयर एंग्जाइटी मंच वगैरह आपने लगाए, आप एक दिन में एक फिर जब डिजीज का प्रोटोकॉल बनाना सीख जाएंगे आपको, आप माइंड भी ले लेंगे किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और पेशेंट मेरे सामने आ गया मैंने क्या पॉइंट लगाना है, आप ऐसी बिंदी ले सकते हैं फ्रेंड, ऐसी बिंदी ले सकते हैं, बिंदी लेके ऐसे लगा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लगाएं, फिर आप नोट्स में देखें नोट्स में क्या है, मैंने क्या लगाया, मेरी क्या गलती है, आप डेली एक एक डिजीज दो डिजीज का प्रोटोकॉल बनाएंगे आप कुछ ही दिन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तो आप कन्फर्म हो जाएगा जो मैंने पॉइंट्स लगाए हुए और सॉफ्टवेयर में क्या है, क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है,
जब आप ये सीख जाएंगे आप रट्टू थेरेपिस्ट ना बनके एक बहुत बढ़िया रिफाइंड थेरेपिस्ट बनेंगे। रट्टू नहीं बनना, रट्टू एक दो दिन चल जाता है फ्रेंड्स, तुक्के से चल जाएगा, मगर ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा थेरेपिस्ट तब बनेंगे जब आप प्रोटोकॉल को अच्छी तरह समझेंगे, ये पेन पॉइंट लगाया था क्यों लगाया, किसे लगाया, क्या रीजनिंग है, जब ये समझ में आ जाएगा तब आपको सारा कुछ। और फ्रेंड्स ये था सारा कुछ, एक घंटे का टाइम मैंने ले लिया, आई थिंक दिस वाज एनफ। मेरा मकसद आज का ये था कि आपको सारा ओरिकुलर थेरेपी के बारे में ब्रीफ बता दूं, नंबर टू आपको क्या क्या सामान लेना ये ले लें, और जब आप ओरिकुलर थेरेपी सीखें आप पूरे नोट्स बुक लेके आए और दो तीन पेज इंडेक्स के बनाने छोड़ दें और आप रेडी रहें ताकि आप नोट्स करें। आपको ट्रेनिंग के बाद वीडियो मिलेंगी, आप अगर आप कुछ पॉइंट मिस हो गए या कोई दिन आप मिस कर रहे किसी वजह से आप नहीं अटेंड कर पाते, आप वीडियो में 100% आपको ट्रेनिंग डिटो मिलेगी, आप दोबारा उसको पॉइंट्स घर बना लें, नोट्स बनाएं। अगर तो नोट्स आपने बना लिए तो आप सक्सेसफुल थेरेपिस्ट हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाएं चाहे 20 बार ट्रेनिंग ले लें आप थेरेपिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो नोट्स बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपना एक दो बार में आ जाएगा, और साथ में अगर आपका सॉफ्टवेयर है फिर तो आप महीने में आप ट्रेनिंग देना ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देंगे, और नहीं है तो हो सकता थोड़ा टाइम लग जाए मगर आप फिर भी बन जाएंगे। तो फ्रेंड ये था, इससे आप थैंक यू वेरी मच। मैं अब ओपन करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ और आपकी व्यूज लेता हूँ।